हाय हेलो नमस्कार मुझ जसमंत आपको स्वागत करुँच बिंगा चैनल को। तो पुणी आज गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग वीडियो आप नहीं आसे जोटा कि आम रोक ओटी पुलिस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को प्रिपेरेशन करने आम कौन एमसी को फॉलो करवा ठीक अच्छे। तो देखो आम जमी पूर्व भाई डिस्कसन करते आपने जब देखी ना जल्दी जल्दी चैनल देखी नियंतु आज जब भिडियो भल लगे ये भिडियो तो भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ और आपको सांग सहित निश्चय सेयर करूँ आज जब एपर्तंत चैनल को सब्सक्राइब करना जाकर चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ यही भिडियो पाया। तो आसतु आम देखा जमी आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुले एमसी क्यू को लेकर। तो देखो ओट पॉलिसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम मेनली आम फोकस रहा एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न उपर। तो फास्ट क्वेश्चन को जीवा तो फास्ट क्वेश्चन कौन देखूँ द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ए ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म आज। तो कौन कहला ना आम जो सिस्टम अच्छी आम वैक्सीन को स्टोर करूँ तो आम ट्रांसफर करूँ तो से जो मानते सिस्टम टाक आम कौन बोली कही था ठीक अच्छे। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन से कौन देती कूल चेन ऑप्शन ए ऑप्शन बी फ्रीजर चेन ऑप्शन सी कोल्ड चेन ऑप्शन डी दैट इज वैक्सीनेशन ठीक अच्छे। तो राइट आंसर कौन हम आपने निश्चय भावे जानते एटा कौन हुए ना इम्युनेशन यहाँ निश्चय पढ़ी थे आपड़ तो सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन कौन राइट आंसर ना कोल्ड चेन। तो आम ये वैक्सीन ट्रांसफर करें स्टोरींग करें कोल्ड चेन मध्यम ही ट्रांसफर करोरींग करूँ देखे दूँ देखूँ आमर जो भी वैक्सीन आसूँ वैक्सीन भी आम बहुत इंटरनेशनल आसूँ तो आम कमी कौन आसूँ मुझे देखूँ सबूत आम कोल्ड स्टोरेज ही मेंटेन होन मानने गोटे पेसेंट कि गोटे कैंड मानने मनीष आम वैक्सीन पाँच ठीक अच्छे। तो देखूँ आपण मैं ये निश्चिंत ये बैग टी देखि आमर जोटा कि आम हेल्थ सेक्टर में बहुत यूज हुए जोटा कि आम कोल्ड चेन मध्यम सब वैक्सीन ट्रांसफर हुए वैक्सीन भी दिया हुए ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जदि आपको ये क्वेश्चन था निश्चय कमेंट कर दिखाँ आदि जाना ना आपण निश्चय थैंक यू लिखिपारे। तो दुई नंबर क्वेश्चन देखूँ दुई नंबर क्वेश्चन कौन देती ना कोवेलरी यूटरस अकर्स इन। तो कोवेलरी यूटरस कौ केस देखा जाए ऑप्शन ए प्लासेंटा प्रीविया ऑप्शन बी प्लासेंटा अब्डक्शन ऑप्शन सी डीआईसी ऑप्शन डी दैट इज हाइड्रेटिफॉर्म मोड। तो कौन कहला ना कन्वोलरी यूटरस अकर्स इन। तो क्यों केस कन्वोलरी यूटरस मानने देखा जाए तो देखो राइट आंसर कौन हम आपको जानवर अच्छे कन्वोलरी यूटरस कौन तो मुझे कही रखुच्छी देखूँ कन्वोलरी यूटरस इज ए फेनोमेनन व्हेयर द रेट्रोप्लासेंटर ब्लड मे पेनेट्रेट थ्रो द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द यूटरस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी दिस मे अकर्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लासेंटा। तो कौन कहला ना कन्वोलरी यूटरस कौन ना व्हेयर द रेट्रोप्लासेंटर ब्लड मे पेनेट्रेट तो मैंने पेनेट्रेट मैंने थ्रो द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द यूटरस तो यूटरस भितर को पेनेट्रेट कर तो आम मैंने कही था कन्वोलरी यूटरस जोटा कि आमर देखा जाए मैंने मे अकर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लासेंटा तो प्लासेंटा एब्जॉर्प्शन में देखा जाए। तो आर राइट आंसर होची दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे बाबू आप निश्चय बुझीपारे। तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देखो एंटीरियर फ्रंटानेल इज अल्सो कॉल्ड। तो आप जानते एंटीरियर फ्रंटानेल पोस्टीरियर फ्रंटानेल तो आम एंटीरियर फ्रंटानेल को कौन बोली कही था ऑप्शन देखो ऑप्शन ए ब्रेग्मा कही था कि बी लैम्डा कही था कि सी वर्टेक्स कही था कि डी ग्लाबेला कही था कि। तो देखो आपने निश्चिंत पढ़ी थे देखो फ्रंटानेल को एंटीरियर फ्रंटानेल को आम कौन बोली कही था राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए ब्रेग्मा ब्रेग्मा बोली आम कही था। तो मुझे आपको देखे दूसरी आपको इमेज गोटे आपको मन रखापी बहुत इजी हम तो जमा भी वीडियो को स्किप करूँ ना। तो देखो द ब्रेग्मा इज नोन आज दि एंटीरियर फ्रंटानेल ड्यूरींग इनफेन्सी ठीक अच्छे। आम मेनली इनफेन्सी केस देखा जाए तो से एंटीरियर फ्रंटानेल को ब्रेग्मा कही था आम ठीक अच्छे। मुझे आपको इमेजटी देखे दूसरी जमी कही देखो गोटे फ्रंटानेल गोटे मैंने इनफेन्सीर जदि आमर यही भाव हुए आम ब्रेन टी तो देखो आम फ्रंटानेल यहाँ फ्रंटाल बोन ठीक अच्छे एटा फ्रंट एटा बैक। तो बैक रो फ्रंट जोटी आमर मिसी कोटी ना करोनल सुचर आउ फ्रंटल सुचर जोटी आमर मिसी सेटा को आम कौन बोली कही था ब्रेग्मा बोली कही था जोटा रहा आम एंटीरियर फ्रंटानेल आउ आमर पोस्टेरियर फ्रंटानेल कौन ना जोटी आमर लैम्बोइड सुचर जोटी आमर लैम्बोइड सुचर आउ साजाइटल सुचर जोटी फॉर्मेशन होइछि ऑसिपिटल बोन आउ साजाइटल बोन रे सेटा को आम लैम्बडा बोली कही था ठीक अच्छे। तो एंटीरियर फ्रंटानेल होउछि ब्रेग्मा एंड पोस्टेरियर फ्रंटानेल होउछि लैम्बडा ठीक अच्छे। जदि भी आपण मैंने बुझीपना किसी भी तो तले कमेंट करूँ मुझे आपको निश्चय रिप्लाई देवी और निश्चय आपको बुझेदेवी तो ठीक अच्छे। आपको भी आपड़ स्क्रीनशॉट मारी रखिपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखूँ
चारि नंबर ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ डीवीटी एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वेनस एम्बोली विल बी लॉस्ट इन तो कौन कहला ना जड़े नर्स अच्छी जी कि गोटे पेशेंट डीवीटी डीवीटी कहले आमर डीप वेन थ्रोम्बोसिस ठीक अच्छे डीप वेन थ्रोम्बोसिस गोटे पेशेंट रो गोटे नर्स केयर करूँ तो तार मानने आम वेनस एम्बोली विल बी लॉस्ड इन तो आम वेनस एम्बोलीटा आम कौटी लॉस्ड इन मानने कौटी लाखिज पर आम चान्स थाए ऑप्शन देखो हार्ट ऑप्शन बी लंग्स ऑप्शन सी लिवर ऑप्शन डी दैट इज किडनीज तो कौन कहला आम कौन हुए डीप वेन थ्रोम्बोसिस रे तो थ्रोम्बोसिस रे आम मेनली कौन हुए कहीदे आपको देखो तो थ्रोम्बोसिस रे थ्रोम्बोसिस रे कौन हुए ना आमर ब्लड क्लॉट डेवलप्स ऑन ए ब्लड वेसल एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो कौन हुए ना ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुए गोटे ब्लड वेसल रे माने गोटे वेन रे होउ नहले आर्टरी रे होउ गोटे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुए ठीक अछि बाबू जी निश्चिंत बुझि परिबे पूरा ध्यान दे सुनंतु निश्चिंत बुझि परिबे तो थ्रोम्बोसिस कहले आमर गोटे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुए गोटे ब्लड वेसल रे जोठी कि आमर रिड्यूस ब्लड वेसल तो आमर ब्लड फ्लो तो आमर ब्लड फ्लोटा रिड्यूस हुए ठीक अछि थ्रोम्बोसिस माने बुझिले देन एम्बोलिज्म को जीवा एम्बोलिज्म कौन एम्बोलिज्म होउजी जोठी कि आमर जो थ्रोम्बोसिस हेइथिला सेथिरु किछि पार्ट कौन ना व्हेन पीस ऑफ ए ब्लड क्लॉट और फॉरेन बॉडी बिकम्स स्टक इन ए ब्लड वेसल एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो टोटली ऑब्स्ट्रक्ट करिवो कौन करिवो सेथिरे होउजी थ्रोम्बोसिस रे रिड्यूस द ब्लड फ्लो ठीक अछि माने ब्लड फ्लो को कमेइ दबो किंतु एम्बोलिज्म रे कौन करिवो ना जो आमर ब्लड क्लॉट हेइथिला सेथिरु गोटे पार्ट जाइगिरी टोटल गोटे ब्लड वेसल रे लाखि जीवो जोटा कि टोटली ब्लड फ्लो आउ करैबा को दबो नाही आमे ताकु एम्बोलिज्म बेली कहि भावुच्छे आपको आपने निश्चिंत बुझीपे तो देखो आम मेनली नर्स गोटे आवर रही है कौन पाई मैंने कौ केस्रे कौटी आम लस्ट हम बोली तो आर राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर इज लंग्स तो मेनली आम डीवीटी रे लंग्स रो एम्बोलिज्म होबार बहुत चान्स थाए जेहेतु आम लंग्स टी लंग्स वेन वेन को आम मानने लस्ड हो जाए जोटा कि आम रहा थ्रोम्बोसिस ठीक अच्छे तो मुझे देखे दूसरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म यूजुअली हैपेंस व्हेन ए ब्लड क्लॉट कॉल्ड ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफन इन योर लेग ट्रैवल्स टू योर लंग्स एंड ब्लॉक्स ए ब्लड वेसल ठीक अच्छे मेनली आम डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो आप जानते हैं निश्चय लेग रे देखा जाए तो जदि से डीप वेन थ्रोम्बोसिस जोटा होता आम मानने ब्लड क्लॉट होती किसी पार्ट जाए मानने मेनली आम लग जाए कौटी ना हाँ आम लंग्स ब्लड वेसल तो से लंग्स कोलास होबार चान्स थाए लंग्स मैंने हार्ट आटाक भी चान्स थाए तो जोटा कि आम बहुत डेंजरस ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए वाइटल टेस्ट इज परफर्म फॉर आइडेंटिफाइंग तो वाइटल टेस्ट आम कौन करा जाए क्या आइडेंटिफाई करवाई आम वाइटल टेस्ट करा जाए ठीक अच्छे ऑप्शन देखो क्लोस्ट्रिडियम साल्मोनेला स्टाफिलोकोकस एंड मेनिंजोकोकस तो राइट आंसर कौन हम वाइटल टेस्ट कौन हुए आपको जानवर अच्छी आप भाव निश्चय जानते कि वाइटल टेस्ट हुए टाइफॉइड पाई ठीक अच्छे तो टाइफॉइड पाई आमर वाइटल टेस्ट हुए तो टाइफॉइड रो पॉजिटिव एजेंट किए टाइफॉइड रो पॉजिटिव हूँ साल्मोनेला टाइफी तो साल्मोनेला टाइफी हूँ टाइफॉइड रो जेहेतु पॉजिटिव एजेंट तो आम वाइटल टेस्ट कौन करवा ना ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर दैट इज साल्मोनेला टाइफी तो साल्मोनेला टाइफी को फाइंड आउट करने वाइटल टेस्ट ही कर ठीक अच्छे बाबूजी आपने निश्चय बुझीपारे तो छः नंबर क्वेश्चन को जीवा छः नंबर क्वेश्चन कौन देती ह्विच इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी तो जदि ये भिडियो मैंने आप चाहते निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ आज जब भिडियो भल लगे निश्चिंत लाइक कमेंट आ निश्चिंत सांग मैं सहित सेयर करूँ तो देखु ऑप्शन ए कॉर्ड प्रेजेंटेशन ऑप्शन बी इनवल्यूशन ऑफ यूटरस ऑप्शन सी ओसीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन ऑप्शन डी दैट इज इनवर्सन ऑफ यूटरस तो आमर गोटे ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी कहले आमर जोटा कि बेबी आउ मदर प्रति बहुत क्षतिकारक थाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी आम क्या कही गोटे कॉर्ड प्रेजेंटेशन आम ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी कहीपरिया कि क्या कहीपर ना राइट आंसर होउजी दैट इज इनवर्सन ऑफ यूटरस तो जदि आम इनवर्सन यूटरस टी इनवर्सन अच्छी तो आम ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी हिसाब से नहीं था ठीक अच्छे तो देखु आमर मेनली कौन इनवर्सन ऑफ यूटरस कौन आमर होता है देखो इंट्रोडक्शन
यूटेराइन इनवर्सन अकर्स व्हेन द यूटेराइन फंडस कोलाप्स इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी टर्निंग द यूटेरस पार्शियली और कंप्लीटली इनसाइड आउट। ठीक अच्छे तो कौन करिबो ना फंडस जेतु कोलाप्स हो जाऊ तो एंडोमेट्रियल कैविटी को कौन करिबो ना यूटेरस पार्शियली और कंप्लीटली इनसाइड आउट इनसाइड आउट करदेव। इट इज ए रेयर कम्प्लिकेसन अफ भाजेनाल और सेजोरियान डेलीवरी। तो दुईटा केस देखा जाए जोटा कि आम भाजेनाल डेलीवरी एंड सेजोरियान डेलीवरी। बट व्वेन इट अकर्स इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिक इमरजेन्सी। तो ठीक अच्छे जी ये आम रोचे बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेन्सी जो बहुत बेबी आउ मदर को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा बाबूजी क्वेश्चन आपने निश्चय बुझीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी सात नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर। तो गोटे आ भितर कौन आम टेस्टी आमर करा जाए टू डिटेक्ट सीजर। तो सीजर रे आमर कौ टेस्टी करा जाए फाइंड आउट करने। तो सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन ईईजी एक्सरे। तो आम सीजर टी कौन कौ टेस्ट जना पड़े सीटी स्कैन पे जना पड़े कि ना एमआरआई स्कैन ना ईईजी ना एक्सरे। तो आप जानते सीटी स्कैन मेनली आम जदि आम ब्रेन में किसी ब्लीडिंग अच्छी कि ब्रेन में किसी अच्छी आम डिफेक्ट अच्छी आम सीटी स्कैन करा जाए देन एमआरआई भी सेतिपई करा जाए एक्सरे करा जाए तार किसी फाइंड आउट करिया पई किसी ब्रे माने डैमेज है कि ब्रोकन है कि ईईजी टी कौन पई करा जाए ना आमर सीजर मेनली ब्रेन रो फंक्शन ब्रेन रो जो सीजर रहिला मेनली ब्रेन रो एक्टिविटी ब्रेन रो आमर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करिया पई आमर ईईजी करा जाए जोटा कि आमर राइट आंसर दैट इज डिटेक्ट सीजर डिटेक्ट करिया पई आमर ईईजी करा जाए। ठीक अछि तो ईजी कहले आमर कौन ईजी कहले इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राम इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राम। ठीक अच्छे बाबू जी आप निश्चय बुझीपारे। तो देखो ईजी रो चित्र गोटे मुझे देखे ईजी आमर यही हुए बहुत गुड़े मेसीन लगिकी मुंडे तार इलेक्ट्रिकल आक्टिविटी मेजर हुए। ठीक अच्छे इलेक्ट्री इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राम दिस इज द मोस्ट कमन टेस्ट यूज टू डायग्नोस एपिलेप्सी जोटा कि आम सीजर। इन दिस टेस्ट इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू योर स्काल्प एंड विथ ए पेस्ट लाइक सब्सटेंस और कैप। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आठ नंबर द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर व्हाइल गिविंग ईसीटी। तो ईसीटी कहले आमर इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरापी। तो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरापी तो आम ईसीटी रे ते वोल्टेज आम सीजर पर दिया हुए 180 रु 200 ना 40 रु 70 ना 150 रु 180 ना 70 रु 150 वोल्ट। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम ना आम ईसीटी रे केते वोल्ट दिया जाए ईसीटी रे दिया जाए 70 रु 150 वोल्ट रो आमर वोल्टेज दिया जाए। ठीक अच्छे तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो देखो टाइपिकली 70 टू 120 वोल्ट्स आर देजी आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू द पेशेंट्स हेड रिजल्टिंग द अप्रोक्सीमेट 800 मिलीएम्पीयर्स ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट पासिंग थ्रू। तो से कौन कही 70 रु 120 वोल्ट कही तो आम ऑप्शन में जेहतु 70 रु 120 ना तो आम अप्रोक्सीमेटली 70 रु 150 वोल्ट नहीं पार। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती ना ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। तो आमर जो ओवेरियन साइकिल रहिला आमर एग प्रोड्यूस हबो एग मैच्योर हबो तो आम आमर सेटा को माने को हार्मोन इनिशिएटेड करे। तो देखो ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन ना एस्ट्रोजन ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जोड़ा रहिला LH तो ना प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर कौन हम देखो ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। तो ओवेरियन साइकिल आम क्या द्वारा इनिशिएटेड हुए को हार्मोन द्वारा तो राइट आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा ही आम LH हार्मोन द्वारा ही आम ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड होता है। ठीक अच्छे मुझे देखे दूसरी जोटा कि रहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द अदर रिप्रोडक्टिव पिट्यूटरी हार्मोन एड्स इन एग मैचुरेशन एंड प्रोवाइड्स द हार्मोनल ट्रिगर टू कॉज ओवुलेशन एंड द रिलीज ऑफ एग्स। जोटा कि रहा आम कौन करे ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जोटा कि आम एग मैचुरेशन कराए आ हार्मोनल ट्रिगर टू कॉज ओवुलेशन ओवुलेशन आमको ट्रिगर कराए हेल्प कराए। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बाबूजी आपको भिडियोटी बहुत भल लगे आउ इनफर्मेटिव निश्चिंत लगुव। तो 10 नंबर देखो ए पेसेंट रिसीविंग आमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स नीड टू बी अंडरगो ह्विच इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली। तो कौन कहला ना गोटे पेसेंट अच्छी जी कि आम आमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक रिसीव करुच्छे आउ अंडरगो रे अच्छी मैंने तार चली देन तार को इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली मैंने देखा निश्चिंत दरकार। तो देखो ऑप्शन ए सीरम सोडियम ना सीरम पोटासीयम ना रेड ब्लड सेल काउंट ना सीरम क्रिएटिनिन। तो आम कौन देखार अच्छी आमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जितने चली देखो आमिनो ग्लाइकोसाइड्स आमर मेनली कौन कैर ना आमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक आमर
ଆମର ଆଫେକ୍ଟ କରାଏ କାହାକୁ ନା କିଡ଼ନିକୁ। ତ କିଡ଼ନି କ'ଣ, କିଡ଼ନିର ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମେନଲି ସିରମ୍ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ କୁ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଆଉ ତାର ମେନଲି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପଠାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସିରମ୍ କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିରମ୍ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମିନୋଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଦି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଇ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ କିଡ଼ନିଜ୍ ସଚ୍ ଏ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରେଟ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଆମିନୋଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍ ଥେରାପିରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲିଂ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଦ ଇୟର୍ କାନାଲ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟେଣ୍ଡ ବାଇ ପୁଲିଂ ଦ ପିନା। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଇନଷ୍ଟଲିଂ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଡଲ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଇନି ଆଡଲ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ପିନାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନେ ପୁଲ୍ କରିବା, ଟାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇୟର୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରୁଛେ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍, ତ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିନାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉପରକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟେକିବା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟୁ ଟିକେ ଟାଣିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପୁଲ୍ ଦ ଅପର୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସିନ୍ ଓନ୍ଲି ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଟେକିଛି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଟାଣିଛି, ଅପର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଚାଇଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମନରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପୁଲ୍ ଦି ଇୟର୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିକି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଣିଥାନ୍ତେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସରେ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆମର ତା'ର ମାନେ କ'ଣ, IUGR ନା ପ୍ରିଟର୍ମ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ନା ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟେରାଇନ୍ ଡେଥ୍ ନା ପୋଷ୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ତ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସରେରେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ରେ ଆମର ଯଦି ଏକ୍ସରେରେ ଶୋ କରୁଛି, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଇନ୍ ୟୁଟେରାଇନ୍ ଡେଥ୍। ତ ଆମର ୟୁଟେରାଇନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବେବି ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଆମର ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ହିଁ ଶୋ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ସରେରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଏକ୍ସରେରେ ଶୋ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିଟାଲ୍ ବୋନ୍ ରହିବ, ସ୍କଲ୍ ବୋନ୍ ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦ ସ୍ପାଲ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଓଭରଲାପିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟାଲ୍ ସ୍କଲ୍ ବୋନ୍ସ କଜ୍ଡ ବାଇ କୋଲାପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟାଲ୍ ବ୍ରେନ୍, ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ୟୁଜୁଆଲି ଏ ୱିକ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଫିଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ୟୁଟେରସ୍। ଯଦି ଆମର ୟୁଟେରସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମର ମାନେ ଫିଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶୋ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଲାପିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟାଲ୍ ସ୍କଲ୍ ବୋନ୍ସ କଜ୍ଡ ବାଇ କୋଲାପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟାଲ୍ ବ୍ରେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା, 13 ନମ୍ବର। ତ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡ୍ରଗ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ଡ ଇଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ପଲ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 60 ମିନିଟ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଆମର କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଏ ଭିତରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଆମର 60 ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲୋ ଅଛି 60 ପର୍ ମିନିଟ୍, ତ ଆମେ କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ ନା ଡୋପାମିନ୍ ନା ଡୋବ୍ୟୁଟାମିନ୍ ନା ଫେନିଟୋଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଥର ରିପିଟେଡ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ 60 ତଳକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକେସନ୍କୁ ୱିଥହେଲ୍ଡ କରିବା, ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଗୋକ୍ସିନ୍। ତ ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆମର ଯଦି 60 ତଳକୁ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ୱିଥହେଲ୍ଡ କରିବା, ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 60ରେ ଆମେ ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ ନା, ଆମର ଯଦି କିଛି ମାନେ ଆରିଥମିଆ ଅଛି, କିଛି ଆମର ଅଛି, ଆମର ମାନେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଆମର ଅଧିକା ହେଉଛି କମ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଭଳି ପାଇଁ ଆମର ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ଟା ମେନଲି ପ୍ରିଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯଦି 60 ତଳକୁ ଅଛି ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ତ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଗୋକ୍ସିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା 0.25 mg ପର୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡାଇଲେଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମାଟିକ୍ ଭେନ୍ସ, ତ କ'ଣ କହିବା। ତ ଡାଇଲେଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମାଟିକ୍ ଭେନ୍ସ ଇଜ୍ କ'ଣ କହିବା ନା, ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ନା ଭାରିକୋସିଲ୍ ନା ସ୍ପର୍ମାଟୋସିଲ୍ ନା
टर्सियन ऑफ टेस्टिल, तो डायलेटेशन ऑफ स्पर्मेटिक वेन कौन कहू ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज वैरिकोसिल। तो वैरिकोसिल माने डायलेटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक वेन, जोटा कि आमर माने स्पुटम को जाई छी, तो सेटार डायलेटेशन हेले आमे ताको स्पर्मेटिक वेन आमे ताको वैरिकोसिल कहिथाउ, ठीक अछि, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखंतु ए वैरिकोसिल इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द टेस्टिकल, जोटा कि आमर टेस्टिकल को ऑक्सीजन जोटा को सप्लाई होता है, तो यदि आम भेन एनलार्ज हो तो आम वैरिकोसिल बोली कही था, ठीक अच्छे। मुझे आपको इमेज टी देखे दूसरी, देखो वैरिकोसिल कौन हुए, जदि आम हेल्दी टेस्टिकल नॉर्मली जमी आम रही है सेमती रही है, किंतु वैरिकोसिल कौन हुए ना डायलेटेड वेन्स, तो वेन्स आम डायलेटेड हो जाए, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू रेफर नॉर्मल आई, तो जदि आम को केस मानते कौन टर्मिनोलॉजी यूज करवा गोटे नॉर्मल आई थारे, ठीक अच्छे। ऑप्शन ए एमिट्रोपिया, ऑप्शन बी एमिट्रोपिया, ऑप्शन सी हाइपरोपिया, ऑप्शन डी दैट इज मेट्रोपिया। जानते हैं आप दूरदृष्टि समीप दृष्टि सब मान यम आबनर्माल आई केस रे देखा जाए, तो आम जब जन भल मान आई अच्छी नर्माल आई अच्छी तो आम कौन बोली कह, तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन ए दैट इज एमिट्रोपिया। एमिट्रोपिया माने नॉर्मल आई विजन, माने किसी भी असुविधा ना नॉर्मली जमी आई विजन रहा कथा रही, तो आम एमिट्रोपिया कही था। तो देखो एमिट्रोपिया, द स्टेट ऑफ द आईज विदाउट रिफ्रैक्टिव एरर्स इज कॉल्ड एमिट्रोपिया, और द आई इज बीइंग एमिट्रोपिक, योर विजन इज नॉर्मल एंड यू कैन सी क्लियरली एट ऑल डिस्टेंस एंड डू नॉट रिक्वायर ग्लासेस। बिना ग्लासेस रे आपण माने सब देखि परछंती, तो किछि रिक्वायर्स दरकार नाही, तो ताको आमे कोन कहिथौ टर्म को ना एमिट्रोपिया बोली कहिथौ, ठीक अछि। बाबू जी आपण निश्चय बुझि पड़तिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, ऑस्टियोक्रोंडल ब्लीडिंग, तो कौन कहला ना ऑस्टियोक्रोंडल ब्लीडिंग इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो आम कौ डेफिशिएंसी रे आमर देखा जाए ऑस्टियोक्रोंडल ब्लीडिंग, ठीक अच्छे। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी दैट इज विटामिन डी। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑस्टियोक्रोंडल दे, जोटा कि आम बोन रीटा बोन रे थाए पाखे थाए दीटा बोन रझे थाए, तो आम कौन हुए ना जो ब्लीडिंग हुए कौ केस कौ डेफिशिएंसी हुए ना, राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी आम ऑस्टियोक्रोंडल ब्लीडिंग होता है। तो मुझे आपको देखे दूसरी, देखो ऑस्टियोक्रोंडल डिसेक्शन इज ए बोन एंड कार्टिलेज कंडीशन दैट मोस्ट ऑफन अकर्स इन द नी, इट हैज नो नोन कॉज, तो यहाँ सेमती किसी कॉज ना कि यही कॉज पे हुए पर्टिकुलर कॉज ना, बट रिपीटेडली स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, लो विटामिन डी एंड ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आर ऑफन लिंक्ड टू दिस कंडीशन, तो यही कंडीशन मेनली अफेक्ट कराए कि तार पूरा पर्टिकुलर नोन कॉज किसी ना, ठीक अच्छे। तो देखु आमर दीटा बोन मध्य जोटा रहा आम रहा ऑस्टियोक्रोंडल लिजन, जोटा कि दीटा बोन रझे थाए, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे, फिजिशियन वांट्स सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन, कौन कहले गोटे फिजिशियन अच्छे डक्टर अच्छे से सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन कहले, नर्सेस हाज टू नोन व्हिच वेन ही और सी शुड मेक यूज ऑफ, तो कौ वेन से काम करिवे तो आपन को जानिबार अछि कौ वेन से काम करिवे बोली, ठीक अछि। ऑप्शन देखंतु रेडियल वेन ना फिमोरल वेन ना अल्नार वेन ना कार्डियक वेन, तो मेनली क्वेश्चन देछि कि कौ वेन रे आमे सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन करि थाउ। देखंतु राइट आंसर कौन हबो ना सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन आमर तीनट वेन हेताए, तो एठी किंतु देछि आमर केवल जो वेनटी देछि, तो राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी फिमोराल वेन, तो फिमोराल वेन रे आमर सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन होता है। तो आउ दुईटी भी मुझे देखे दूसरी, आउ दुईटी केस रे कौ वेन रे आमर सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन होता है अथवा सेंट्रल कैथराइजेशन होता है। तो देखो जोटा कि आम रहा कौन ना, तो देखो आम जोटा कि रहा इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन फिमोरल वेन एंड सब क्लाविहन वेन, यही तीनोटी जगह मेनली आमर टेम्पोरली वेनस कैथराइजेशन होता है, ठीक अच्छे। मुझे आपको साइड भी देखे दूसरी, तार सेंट्रल वेनस साइड जोटा कि आमर एटा रहा सबक्लाभियान, एटा रहा फिमोराल एंड एटा रहा इंटरनल जुगुलर, तो यही तीन टा जगह आमर सेंट्रल वेनस कैथराइजेशन होता है अथवा सेंट्रल कैथराइजेशन होता है, ठीक अच्छे। सेंट्रल लाइन पड़ी था, ठीक अच्छे, आपको निश्चय बुझे पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमती क्वेश्चन पाया निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो अठर नंबर क्वेश्चन देखो कौन कहला ना टोहिज नीडिल इज यूज फॉर, तो आम टोहिज नीडिल कौन पर यूज हुए, स्पाइनल एनेस्थेसिया
ना एपिडुरल एनेस्थेसिया पई ना लोकल एनेस्थेसिया पई ना आईवी कैनुलेशन पई। तो आम ये जो टोइसिस नीडल को कौन पई यूज करथाउ तो राइट आंसर इज आम टोइसिस नीडल कौन पई यूज हुए ना एपिडुरल एनेस्थेसिया। तो आम एपिडुरल एनेस्थेसिया पई टोइसिस नीडल यूज होता है। तो देखो आमर टोइस नीडल कहले आम कौन बुझे थाउ देखु मुझे देखे दूसरी। तो राइट आंसर इज आम एपिडुरल एनेस्थेसिया जोटा कि मुझे इमेज रे देखे दूसरी केमी देखा जाए देखु। तो यही आम जो देखा जाए जो भी आम देखा जाए एनेस्थेसिया दि जाए एपिडुरल एनेस्थेसिया तो आम यूज होता है टोहिस नेडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ड्रग दैट इनहिबिट्स कफ रिफ्लेक्स। तो आम को ड्रग जो ड्रग कि इनहिबिट्स कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट्स करे तो आम को ड्रग देखो ना ऑप्शन है एंटीहिस्टामाइन्स आंटी आस्थमाटिक आंटी टेस्टोसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक अच्छे आम को ड्रग कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट कराए ना राइट आंसर इज कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट किए कराए ना आंटी टोसिप्स। ठीक अच्छे तो आंटी टोसिप्स आम कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट कराए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी तो मुझे देखे दूसरी जोटा कि आम रहा मेनली आंटी टोसिप कफ मैंने को कफ जा कोडिन कोडिन भी जाऊँच आंटी कफ मैंने रिफ्लेक्स जोटा कि आम रहा आंटी टोसिप जोटा कि आम इनहिबिट कराए कफ रिफ्लेक्स आउ रहा ब्रोंकोफान ब्रोंकोफान। तो यही जो ब्रांड रहा यही जोटा मैंने क्या अंडर जाऊँगी ना आंटी टॉसिप जोटा कि हमारा इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट कराए। तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 20 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो कौ न्यूट्रिएंट्स मानने डिक्रीजेस आम न्यूरल ट्यूब मैंने देखा पाओ। ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो विटामिन ए ना विटामिन सी ना विटामिन डी ना फॉलिक एसिड। तो देखो आपको जानवर अच्छे कि न्यूरल ट्यूब कौन पाई हुए तो न्यूरल ट्यूब कौन पाई हुए ना फॉलिक एसिड डिफिशियंसी रे हमर न्यूरल ट्यूब होता है। तो ठीक अच्छे ये कौन देती ना व्हिच न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजेस तो कौ न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजेस हुए मैंने कौ न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी हुए तो राइट आंसर इज फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हमर न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड होता है जोटा कि हमर फॉलिक एसिड बहुत मैंने एडवाइस हुए प्रेगनेंसी टाइम रे नेबा पई। ठीक अच्छे तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फॉलिक एसिड कैन रिड्यूस सर्टन बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय मोर देन 70%। तो फॉलिक एसिड जोटा कि रहा आमर मानने ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रो बहुत गुड़िया डिफेक्ट को मानने जदि आम डिफिशियंसी बहुत गुड़िया डिफेक्ट कराई थाए। ठीक अच्छे तो आम यही डिस्कशन आगो को जारी रखा यहाँ थी लास्ट क्वेश्चन। तो आपको जब यही भिडियो निश्चिंत भल लगी आपड़ लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंप सांग मैंने तो निश्चिंत सेयर करूँ आई भिडियो पाई निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को ऑल रखी जातु आदि भी आपने पूर्व भिडियो एपर्तन देखी ना जल्दी जल्दी चैनल विजिट करूँ विजिट करके देखिपारे आदि आप ग्रुप जॉइन होना जल्दी जल्दी आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु आल्डर सब प्रीवियस क्वेश्चन भी देखिए आम डिस्क्रिप्शन से आपड़ देखिपारे। तो ठीक अच्छे आज एड भिडी रखिली बहुत भिडियो डेरी होगा आसपापी। ठीक अच्छे आज भिडियो एड रखा रही जय जगन्नाथ।